सो यार क्विक लैब्स का मेल आ गया था, ग्रीटिंग्स, वी हैव गॉट गुड न्यूज फॉर यू, द इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड। सो यार मेन चीज ये है कि जो हम लोग का इशू था वो सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी क्योंकि ये मेल आज सुबह ही आया, तो मैंने सोचा इसको ऐड करते हैं वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Hey all, it's Uwe Vita Commerce वाला, and मैं Google Already Facilitator Program की playlist बना रहा हूँ, जिसमें अभी तक हम लोगों ने first track complete कर लिया है, और हम लोग second track में पहले की 5 quest कर चुके हैं, आज हम लोग 6 quest की third lap करेंगे, तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। या मेरी quest complete क्यों है, सारे questions के answer आपको intro video मिल जाएंगे, उसकी link नीचे description box में होगी। और ये ऊपर की ये दोनों labs में कर चुका हूँ, इसके ऊपर दो वीडियो है, ये आप देख लीजिएगा, मैंने रिकमेंड किया था, बट मैंने जो सेकंड वाली लैब की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये सब समझाया था आपको, वीडियो के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ये पूरी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आज की हम लोग की लैब ये है, तो इस पर क्लिक करते हैं। और तो इस ट्रैक में जितनी चैलेंजेस लैब थी और पिछले ट्रैक में जितनी चैलेंजेस लैब थी, सबकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपने ना करी हो तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो आज की लैब हम लोग की ये है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है यार। कि इससे पहले लैब जो थी कंप्यूटर इंजन वाली, उसमें क्या है कि हर चीज में हम लोग का कंट्रोल है, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, मैनेज इंस्टेंस ग्रुप, इंस्टेंस टेम्पलेट, लोड बैलेंसर, सब कुछ। ठीक है, पर क्या होता है कई बार बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, जैसे हर एक कंपनी में बहुत सारी वो होती है, जैसे एक प्रोडक्शन की टीम है, एक डिप्लॉयमेंट की टीम है, तो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो जैसे एक तरफ से कुछ काम नहीं हो पाया तो उस चक्कर में सब रुकी पड़ी है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा था कि सबको पहली बात तो माइक्रो सर्विसेज में बांट दो, बट माइक्रो सर्विसेज में बांटना इसके नेक्स्ट वाली लैब में होगा, बट उससे पहले हमने सोचा कि कंटेनर फॉर्म में बना दो, क्योंकि कंटेनराइज हो जाएगी ना चीजें तो वो बेटर रहती है, और फिर उसको डिप्लॉय करना बहुत आसान होता है, और फिर जब कंटेनर बना दो उसके बाद उसको डिप्लॉय कर दो जीकेई में, गूगल क्यूबरनेटिस इंजन में, और आप हर चीज कंट्रोल भी कर रहे हैं और हर चीज अपने बेस्ट पॉसिबल वे में चल रही है। ठीक है, ये आप यहाँ से पढ़ेंगे, जैसे रनिंग वेबसाइट एंड एप्लीकेशन इज हार्ड, कभी सर्वर क्रैश हो सकता है, इंक्रीज इन डिमांड हो सकती है, और जो चेंजेस आप करें उसमें क्या होता है कि डाउन टाइम आ सकता है, इसलिए हम लोग कोई ऐसा टूल चाहिए होता है जिसमें ये तीनों चीजें हो जाए, इसमें ना कभी सर्वर क्रैश हो, ना कभी इंक्रीज इन डिमांड हो, तो हम लोग को ज्यादा चिंता करनी पड़े या डाउन टाइम आए हम लोग के वर्जन अपग्रेड करने पे। तो उसलिए हम लोग क्यूबरनेटिस की तरफ गए थे। ठीक है, अगर मैं आपको बेस्ट बताऊं तो क्लाउड रन सबसे पहले, उससे अच्छा होता है कंप्यूटर इंजन, और उससे अच्छा होता है जीके। तो यार ये बेसिक ओवरव्यू था, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, ये चीज को अभी से समझ लो। ठीक है, क्लस्टर बनाया हम, ठीक है, फिर एक कंटेनर बनाएंगे हम लोग, डॉकर कंटेनर, और डॉकर कंटेनर बनाएंगे कैसे, वैसे जैसे मैंने आपको बताया था पिछली लैब में क्लाउड बिल्ड की मदद से। ठीक है, उसके बाद उसको डिप्लॉय करेंगे जीकेई में, ये स्टेप आपको हमेशा याद रखना होगा चैनल लैब तक, कि पहले डॉकर कंटेनर बनाओ, वो होगा क्लाउड बिल्ड कमांड से, जी क्लाउड बिल्ड सबमिट वाले कमांड से, उसके बाद उसको डिप्लॉय करो उस एप्लीकेशन को जीकेई में, वो होगा यार जी क्लाउड क्रिएट डिप्लॉयमेंट से, और उसके बाद उसको एक्सपोज कर दो उस एप्लीकेशन को। ये तीनों चीजें अभी मैं आपको बहुत बार दिखाऊंगा, तो इसको आप समझ लेंगे आपको चैनल लैब तक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और सेटअप करना है, चलो स्टार्ट लैब पे क्लिक करते हैं, यूजर नेम कॉपी करेंगे, ओपन गूगल कंसोल करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, पासवर्ड कॉपी करेंगे, पासवर्ड पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेना यार, और इसको कंफर्म कर देना, और इसको आई एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। अगर क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है तो क्लाउड सेल पर क्लिक करते हैं। सो यार आई थिंक आपको बेसिक क्लाउड सेल के कमांड आते होंगे, पहला होता है जी क्लाउड ऑथलिस, इससे आपको स्टूडेंट यूजर नेम पता चलता है यूनिक इस पर्टिकुलर लैब का। दूसरा होता है जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, इससे आपको जीसीपी की बिल्ड आईडी बदल जाती है इस पर्टिकुलर लैब। तो सबसे पहले हम लोग को जोन सेट करना है यार, तो इसको कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। यार अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज है तो वो पानी बरस रहा है उसकी आवाज है। ठीक है, अब हम लोग क्लस्टर बनाना है, सबसे पहले क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर कैसे बनाएंगे, पहले कंटेनर एपीआई को हम लोग इनेबल करेंगे। ठीक है, तो इसको कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब क्लस्टर बनाएंगे, क्लस्टर का नाम होगा फैंसी क्लस्टर, और इसमें तीन नोड्स होंगे, तीन नोड्स होंगे मतलब नोड्स होते हैं वर्चुअल मशीन्स, तो तीन वर्चुअल मशीन्स होंगी। ठीक है, तो कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, क्लस्टर बनने में यार 3 से 4 मिनट लगेंगे। सर हम लोग का क्लस्टर डिप्लॉय हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग को इंस्टेंसेस की लिस्ट चाहिए, मतलब मैंने आपको बताया इसमें तीन नोड्स बनाने थे, नोड्स होते हैं वर्चुअल मशीन और वर्चुअल मशीन होते हैं इंस्टेंसेस, तो आपको तीनों इंस्टेंसेस दिख जाएंगे। तो इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, तो ये आपको तीनों इंस्टेंसेस दिख गया, फैंसी क्लस्टर नाम था और ये तीनों इंस्टेंसेस हैं। अब अगर आप क्यूबरनेटिस इंजन में जाएंगे क्लस्टर में, तो आपको आपका क्लस्टर दिख जाएगा। ठीक है, तो चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। अब यार उस रिपोजिटरी को हम लोग को क्लोन करना पड़ेगा जिसमें हम लोग का एप्लीकेशन है, जिसपे हम लोगों ने पिछली लैब्स पर भी काम किया है, तो पहले इस रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे, फिर Node.js की डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे setup.ss कमांड से। तो पहले इसको कॉपी करते हैं क्लोन करने के लिए, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, और उसके बाद अब सीडी करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, सीडी करेंगे। ठीक है, पेस्ट किया, रन किया। ठीक है, तो पहले हम लोग यार इस वाली डायरेक्टरी में थे, अब हम लोग उसके अंदर एक और फोल्डर में जाएंगे मोनोलिथ वाले में, npm स्टार्ट करेंगे मतलब वेब सर्वर को ऑन करेंगे, तो इस वाले कमांड को पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। अब यार हम लोग का जो मोनोलिथ एप्लीकेशन है वो लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080
थी, तो इसके लिए प्रीव्यू पर जाएंगे, प्रीव्यू ऑन पोर्ट 880 करेंगे तो आपको आपकी कॉमर्स वेबसाइट दिख जाएगी। ये हम लोग को पिछली लैब में भी यही वेबसाइट थी, ठीक है। अब यार इसमें समझो यही था पिछली लैब में, यार हम लोगों को पहले डॉकर कंटेनर बनाना होगा क्लाउड बिल्ड की मदद से। क्लाउड बिल्ड की मदद से क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है पहले हम लोग क्या करते थे, टू स्टेप अप्रोच करते थे, वो मैंने पिछली लैब में बताया था, तो इसमें मैं पढ़ देता हूँ। बिल्डिंग ए डॉकर कंटेनर एंड पुशिंग इट टू ए रजिस्ट्री, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री थी, पहले कंटेनर बनाते थे फिर उसको पुश करते थे गूगल कंटेनर रजिस्ट्री में, टू स्टोर द इमेज फॉर जीके टू पुल फ्रॉम। डॉकर बनाया, डॉकर में इमेज थी, इमेज को पुश किया हमने गूगल कंटेनर रजिस्ट्री के पास, जिससे जो जीके है गूगल क्यूबनेटिस इंजन है उस इमेज को ले ले और अपने एप्लीकेशन और क्लस्टर जो बनाना उसे वो बना दे, ठीक है। ये था दो स्टेप का प्रोसेस। अब क्लाउड बिल्ड ने हेल्प कैसे करी, उसने क्या किया, बिल्ड कर दिया जो डॉकर का कंटेनर है और इमेज को पहुंचा दिया गूगल कंटेनर रजिस्ट्री के पास सिर्फ एक ही कमांड में। वो कमांड था यार जी क्लाउड बिल्ड सबमिट वाला, ये वाला, ठीक है, इसमें वर्जन दे दिया, तो ये इसने हेल्प कर दी। एक ही बार में कंटेनर बना दिया, एक ही बार में इमेज पहुंचा दी गूगल कंटेनर रजिस्ट्री तक, जिससे जीके उसको एक्सेस कर पाए। तो पहले क्लाउड बिल्ड की एपीआई को इनेबल करते हैं, इस कमांड कॉपी करते हैं और इसको कंट्रोल सी करके हटा देना, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब एपीआई इनेबल हो जाएगी तो हम लोग बिल्ड करते हैं क्लाउड बिल्ड की मदद से, इमेज को बिल्ड करते हैं, कंटेनर को बिल्ड करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, सो हम लोग का कंटेनर बिल्ड हो गया, ठीक है। तो इसको जगह प्रोग्रेस कर लेते हैं, अब डिप्लॉय करेंगे जीकेई में। यार ये पॉड्स डिप्लॉयमेंट रेप्लिका सेट ये सब मैंने आपको बताया है क्यूबरनेटिस वाली क्वेश्चन में, फोर्थ वाली क्वेश्चन में, तो वो देख लो, इसमें सब कुछ समझाया है, ठीक है। अब इसको डिप्लॉय करते हैं जीकेई में, तो इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। सर ये बन गया हम लोग का क्रिएट डिप्लॉयमेंट, ठीक है, डिप्लॉय कर दिया हम लोगों ने जीकेई में। अब जगह प्रोग्रेस करा लेते हैं और एक हो गया, ठीक है। अब वेरीफाई करेंगे डिप्लॉयमेंट, उसके लिए क्यूबिसेटल गेट ऑल कमांड को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, इससे सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। ये सब दिख गया, ठीक है, सर्विसेज दिख गई। रेप्लिका सेट में ये देखना है डिजायर्ड कितना है और करंट कितना है। रेप्लिका सेट में एक डिजायर्ड है, एक करंट है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो एक गलती से डिलीट हो गया तो वो अपने आप जितना डिजायर्ड है वो उतना एक फिर से बना देगा। आप नेविगेशन मेनू में क्यूबरनेटिस में वर्कलोड्स में जाकर देख भी सकते हैं ये सारी बेसिक चीजें। अब यार ये ऑप्शनल है, अगर आपके में कोई मतलब गलती आ जाए तो आप ये सब चीजें ट्राई करके देख सकते हैं कहां गलती हुई है, ठीक है। अब ये है यार, ये जो मैं आपको बात बता रहा था, इन्होंने एक पॉड को डिलीट कर दिया और मैंने आपको बताया रेप्लिका इक्वल टू पॉड्स होता है, ये मैंने क्यूबरनेटिस वाली क्वेश्चन में बताया था। जैसे एक पॉड डिलीट हुआ तो इन्होंने रेप्लिका सेट में डिजायर्ड यहाँ पे देखो वन है, तो अगर आपने एक पॉड डिलीट किया तो अपने आप से एक बना देगा। अब यार ये तीनों चीजें हर जगह याद रखना, पहले कंटेनर बनाया हम लोगों ने, फिर उसको डिप्लॉय किया जीकेई में, अब उसको एक्सपोज कर देंगे डिप्लॉयमेंट को, ठीक है, लोड बैलेंसर की मदद से किसी पोर्ट पर, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ये तीनों चीजें अगर आपको याद रही तो आगे वाली लैब और उसके बाद चल रही लैब बहुत सिंपली हो जाएगी, कुछ नहीं करना। अब एक्सेसिंग द सर्विस मतलब एक को यूआरएल मिल जाएगा एक्सटर्नल पोर्ट कनेक्ट करने का, आईपी मिल जाएगी, तो इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। और अभी पेंडिंग स्टेज में है यार, तो फिर से इसको रन कराना या तो कुछ सेकंड से रुक जाना, अभी पेंडिंग स्टेट से दिख जाएगा, फिर से रंग करा के देखते हैं। अब देखो एक्सटर्नल आईपी दिख गई अपने मोनोलिथ एप्लीकेशन की। यार पहले वो सिंपल वाला मोनोलिथ एप्लीकेशन था, जो ये था फैंसी स्टोर, ये एकदम सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था। अब हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया कंटेनर पे, तो अब इस वाली आईपी को रन करा के देखते हैं। अब देखो इस वाली आईपी से दिख गया, ये पहले वाला है, ये अभी वाला है, ठीक है, तो दिख रहा है मतलब सब कुछ सही चल रहा है, एक्सपोज भी कर लिया, चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं, हो गया, ठीक है। अब स्केल करेंगे मतलब तीन रेप्लिका रखेंगे, रेप्लिका सेट में डिजायर की वैल्यू तीन रख देंगे, ठीक है। तो अगर आपने तीनों डिलीट कर दिए तो तीनों अपने आप बना देगा, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। और ये क्यूबिसेटल गेट ऑल से आपको सारे पॉड्स दिख जाएंगे, रेप्लिका सेट भी दिख जाएगा, इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अभी देखो रेप्लिका सेट तीन डिजायर है, तीन करंट है, अभी तीन है, ठीक है, ये सब हम लोग को दिख गया सर्विस में। अब चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं। अब मेक चेंजेस करेंगे वेबसाइट में, क्या होता है कि कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे वेबसाइट के कोड में कुछ चेंजेस करने, एचटीएमएल में कुछ चेंजेस करने, किसी भी कोड में कुछ चेंजेस करने, ठीक है। तो जो नया कोड है वो पढ़ा है index.js.new फाइल में और जो पुराना कोड है वो पढ़ा है index.js में, तो हम लोग नए वाले से पुराने वाले में ट्रांसफर कर देंगे ये मूव कमांड से, इसका कोड इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ये हो गया। अब कैट कमांड से आप अंदर का कोड देख पाएंगे, अंदर का कंटेंट देख पाएंगे, उस फोल्डर में क्या है, उस डायरेक्टरी में क्या है, पेस्ट क्या, रन क्या, ये पूरा कंटेंट है, ये पूरा कोड है। अब जब हम लोगों ने चेंजेस कर दिया कोड में तो फिर से एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, फिर से कंटेनर बनाएंगे जी क्लाउड बिल्ड की मदद से, क्लाउड बिल्डर की मदद से फिर से वही कमांड आ गया, अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, उसके बाद इस वाले डायरेक्टरी में जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं और आप कंटेनर बिल्ड करते हैं इस वाले कमांड से, ठीक है, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब यार इस लास्ट वाली चीज पे आ गए, अपडेट वेबसाइट विद जीरो डाउन टाइम, ठीक है। जीरो डाउन टाइम मतलब क्या कि जैसे कुछ यूजर्स आ रहे हैं तो वो आते रहे, उनको वो वेबसाइट दिखती रहे, वो एक्सेस कर पाए, पर हम अपना दूसरा वर्जन बना दें, ठीक है, मतलब जो भी अपग्रेड कर रहे हैं वो अपग्रेड कर दें। जैसे इंस्टा बहुत लोग चला रहे हैं फिर भी उसके अपग्रेड हो रहे हैं, वैसे मतलब डाउन टाइम नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं हो लोगों को दिख जाए कि अभी थोड़ी देर के लिए बंद है, ठीक है। इस कमांड को कॉपी करते हैं, ठीक है। हम लोग अपडेट कर रहे हैं वेबसाइट को, मतलब दूसरा वर्जन बना रहे हैं, पहले 1.0.0 पे काम कर रहे थे, 2.0.0 पे करेंगे, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, अपडेटेड हो गया यार, इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं।
ये हो गया ठीक है, अपडेट कर दिया। क्यूबसिडियन गेट पॉड्स आप करके देखेंगे तो आपको जो पुराने वाले थे पॉड्स वो डिलीट होते दिखेंगे और नए वाले बनते हुए दिखेंगे। यही मैंने आपको चीज बताई थी कि रेप्लिका सेट में तीन डिजायर्ड है, मतलब अगर तीन खत्म हुए, जैसे इसमें तीन खत्म हुए दूसरे वर्जन पे आ गए, तीन अपने आप वो बना भी देगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ इस कमांड को रन करके। पहले वाले तीन में देखो एज, ये 3:11 पहले बनाए थे, 6:37, 3:11 ये पहले बनाए थे हमने ठीक है। अब ये टर्मिनेट होने लगेंगे दिनों, और जो दो नीचे हैं ये बन रहे हैं, एक अभी और बनेगा। इस काउंट को फिर से रन करो तो एक अभी और आपको बनता हुआ दिखेगा। अब देखो वो तीनों खत्म होंगे, तीनों टर्मिनेटिंग ऊपर वाले और नीचे वाले तीनों बन रहे हैं। तो ये होता है रेप्लिका सेट की पावर, अगर जितने डिजायर दिए उतनी अपने आप बना देगा। तो इसको जगह प्रोग्रेस करा लो यार, इसमें कुछ लफड़ा होता है आई थिंक। फिर से यार इसको रन करके देखो, तीनों खत्म हुआ, अब वो तीनों खत्म हो गए, तीनों रनिंग स्टेज में आ गए ठीक है। अब यार इसको जगह प्रोग्रेस करा लेते हैं, तो अगर हम लोग अपने ऐप पर जाएंगे उसको रिफ्रेश करेंगे तो उसमें चेंजेस दिख जाएंगे ठीक है। ये देखो पहले कुछ और था ऐप, अब ये आ गया, उन्होंने कोड चेंज कर दिया ठीक है। तो इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं, चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं, तो इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं, चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं। सो यार चलो मैं आपको बताता हूँ अभी तक क्या हुआ ठीक है। इस वाले टास्क पर मैं आ गया था यार, एक घंटा कुछ हुआ, एक घंटा बजा था लैब में ठीक है। तब से मैंने इसको चेक में प्रोग्रेस किया, ये नहीं हुआ, ये अभी भी नहीं होगा मुझे पता है ठीक है। तो फिर मैंने काफी कुछ किया, क्या किया कि मैंने पहले तो पूरे दिमाग लगा लिया कैसे चीजें होंगी, कुछ क्यों इमेज डिप्लॉय नहीं हो रही है, पूरा अंदर सिस्टम सब कुछ करके देख लिया ठीक है मैंने। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर पता किया कि मतलब क्या हुआ कि मैंने दो तीन जगह जाके देखा कि काफी कमेंट्स मैंने ऐसे देखी जिनमें लोगों से ये टास्क नहीं हो रहा है ठीक है। तो फिर मैंने सोचा आप क्या करें ठीक है, सोचा मैंने कि चैट सपोर्ट में बात करें, बट यार आज पता नहीं चैट सपोर्ट है ही नहीं इनका, हेल्प सेंटर वाला है, ईमेल सपोर्ट है। तो मैंने चलो सोचा ईमेल सपोर्ट पे बात करते हैं ठीक है। तो यार मैं गया और मैंने इनको ये मेल लिखा ठीक है, रिस्पेक्टेड सर ये पूरी चीज की वाली लैब नहीं हो रही, इस वाली लैब में लास्ट वाले टास्क में कुछ प्रॉब्लम है, लास्ट वाले टास्क में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों के साथ हो जाए वो बहुत अच्छा वेल एंड गुड, पर जिन लोगों के साथ ना हो जैसे मेरा भी नहीं हुआ, जो लोग मेरी टीम में है ठीक है, उनको क्या करना है कि आप सबको सही करें, आप कुछ नहीं गलत करें, जो मैंने आपको बताया वैसे अगर आप कर रहे हैं तो आप सबको सही कर रहे हैं ठीक है। अब ये नहीं हो रहा है यार, तो ये उनके सिस्टम की तरफ से प्रॉब्लम है, मतलब वो अंदर से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि इमेज बना दी है, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे। तो यार इनका ऐसा कुछ रिप्लाई आया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज, देयर इज एन ऑनगोइंग इशू एंड वी हैव टेकन नोट ऑफ दिस, इट्स आवर टॉप प्रायोरिटी टू फिक्स इट, आवर टीम इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस एंड वी विल फिक्स इट एट द अर्लीस्ट, वी विल कीप आवर अपडेटेड विद द प्रोग्रेस। तो यार इसका मेन लॉजिक ये है कि हाँ इनको पता है कि ये प्रॉब्लम है, इस पे काम चल रहा है, जैसे इस पे काम खत्म होगा ये आपको बता देंगे, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, जैसे ही होगा मैं इस पे वीडियो बना दूंगा कि ये काम हो चुका है, फिर आप लोग इस पे काम करना शुरू कर दीजिएगा ठीक है। बस लास्ट टास्क कुछ नहीं करना, सब कुछ सही है, बस वो अपडेट नहीं हो पा रहा। तो जहां इनकी तरफ से सिस्टम से चीजें सही हुई तुरंत मैं आपको बता दूंगा। तो यार कर सब कुछ लिया है, बस इसमें जाके आपको फिर चेक में प्रोग्रेस करना होगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है। क्लीन अप यार फिर सारी रिसोर्सेज को डिलीट कर लेना ठीक है, डिलीट कर देना, जब 100 पॉइंट्स हो जाए चेक में प्रोग्रेस कर लेना, जब अपडेट आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। सो कांग्रेचुलेशंस, लैब आज आपकी पूरी नहीं हुई है, बट आई होप मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, और अगर आपकी लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।